का सीजन चल रहा है, जहां एक तरफ दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों एक्ट्रेस शादी के बंधन में बंध चुकी हैं, तो वहीं अब ऐसा लग रहा है कि कैटरीना कैफ भी कहीं ना कहीं शादी रचाना चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी और दबंग सलमान खान की चहेती यानी कि कैटरीना कैफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैटरीना कैफ इन दिनों सलमान खान के साथ भारत की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी है, तो वहीं आपको बता दें कि हाल ही में ऐसा कहा गया है कि कैटरीना कैफ ने अपनी शादी को लेकर एक काफी बड़ा खुलासा किया है और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त था जब वो शादी के बंधन में बंधना चाहती थी। और कैटरीना कैफ के इसी बयान से सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि अब कैटरीना को भी जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। वो पहले शादी करना चाहती थी लेकिन अब भी कैटरीना कैफ को शादी कर ही लेनी चाहिए। अगर बात करें कैटरीना कैफ की रिलेशनशिप्स की, तो आपको बता दें कि कहा जाता है कैटरीना कैफ एक वक्त पर सलमान खान को डेट कर रही थी और फिर उनकी जिंदगी में आए रणबीर कपूर और फिर वो रणबीर कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन रणबीर कपूर से भी उनका रिश्ता टूट गया और अब कैटरीना कैफ एक बार फिर से सलमान खान के करीब आ रही हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अब जब भी इन दोनों को फैंस देखते हैं तो कहा जाता है कि भाई आज भी इन दोनों को एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार तो जरूर है। तो फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और देखते हैं कि आखिरकार कैटरीना कैफ ने क्या कुछ कहा है अपनी शादी को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। बिना देरी किए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हेलो, जहां एक के बाद एक बॉलीवुड में शादियां होती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब फैंस बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की चहेती कैटरीना कैफ की शादी का भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैटरीना कैफ इन दिनों सलमान खान के साथ फिल्म भारत की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी है और दूसरी तरफ कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जीरो को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में है। आपको बता दें कि फिल्म जीरो में कैटरीना कैफ के अलावा अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान भी है। शाहरुख खान इस फिल्म में एक बोले का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक बीमार औरत का किरदार निभा रही हैं, जो व्हील चेयर पर बैठी होती हैं और जिन्हें बोलने में भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म से हटकर कैटरीना कैफ की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो हाल ही में कैटरीना कैफ ने अपनी शादी और बच्चों के प्लान के बारे में खोलकर बातें करी हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो उन्होंने कहा, कुछ समय पहले शादी मेरे दिमाग में थी लेकिन तब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं बन पाई, तब से मैंने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। जिंदगी ने आपके लिए जो निर्धारित किया है आप वो करना पड़ता है, अब मुझे इन सब चीजों को लेकर तनाव नहीं होता। इसी के साथ आपको बता दें कि कैटरीना कैफ ने आगे कहा, मैंने लड़ाई लड़ी और अब मैं ये फैक्ट जानकर शांति में हूँ कि जो आपने सोचा वो नहीं हो पाया, अब मैंने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कैटरीना कैफ का बयान काफी सारा चर्चा में है, जहां एक तरफ दीपिका प्रियंका दोनों ही शादी रचा चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ का ये बयान भी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कैटरीना कैफ अब जल्द ही शादी करने के मूड में है। आप ये तो जानती हैं कि कैटरीना कैफ बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर के साथ लगभग 5 सालों तक रिलेशनशिप में रही। दोनों की शादी की खबरें भी खूब आसमान छू रही थी, लेकिन कहा गया कि रणबीर कपूर ने कैटरीना कैफ को धोखा दे दिया और इसी वजह से कैटरीना और रणबीर कपूर का ब्रेकअप हो गया। वहीं आपको बता दें कि रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ शादी तक करने वाले थे। दोनों की शादी की आए दिन खबरें आसमान छू रही थी, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी प्यार को मंजिल नहीं मिल पाती और ऐसा ही हुआ कुछ कैटरीना कैफ के साथ। कैटरीना कैफ कहा जाता है कि रणबीर कपूर से बेहद प्यार करती थी और उनसे शादी तक करना चाहती थी, लेकिन भाई इन दोनों का प्यार शादी तक तो नहीं पहुंच पाया और रिश्ता भी खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ इन दिनों बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के बेहद करीब आती हुई नजर
नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ एक वक्त पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन कैटरीना कैफ को रणबीर कपूर से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से कैटरीना ने सलमान खान से भी दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब रणबीर कपूर ने खुद कैटरीना कैफ का साथ छोड़ दिया तो एक बार फिर से कैटरीना कैफ सलमान खान के करीब आने लग गई और अब सलमान खान और कैटरीना कैफ फिल्म भारत में एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सलमान खान अक्सर ही कैटरीना कैफ की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। सलमान खान की आंखों में आज भी कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ के लिए इज्जत और प्यार देखा जाता है। वहीं कैटरीना कैफ भी सलमान खान की बेहद इज्जत करती है, तो वहीं सोशल मीडिया पर सलमान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और हर कोई यही चाहता है कि सलमान और कैटरीना कैफ जल्द ही शादी कर ले। हालांकि ये तो मालूम नहीं कि कैटरीना कैफ किससे शादी करेंगी, लेकिन कैटरीना कैफ के इस बयान से जो हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक शादी उनके दिमाग में थी, लेकिन तब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं बन पाई। तब से कैटरीना कैफ सब कुछ यूनिवर्स में छोड़ चुकी है। जिंदगी में उनके लिए जो निर्धारित किया है वही करना पड़ता है। कैटरीना कैफ का ये मानना है कि अब उन्होंने सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अब कैटरीना कैफ खुद भी शादी करना चाहती हैं। वह ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार कैटरीना कैफ किस हैंडसम हंक के साथ शादी के बंधन में बंधती है। वह आपको बता रही है कि कैटरीना कैफ के इस बयान से सोशल मीडिया पर भी यही कहा जा रहा है कि कैटरीना कैफ को वाकई जल्द से जल्द शादी रचवा लेनी चाहिए। और कैटरीना कैफ का ये मानना भी है कि वो पहले चाहती थी शादी करना, लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन हुई वैसे वैसे उन्होंने सब कुछ यूनिवर्स में छोड़ दिया है। और ये बात सुनकर कहीं ना कहीं सलमान खान, जो कैटरीना कैफ के दिल के सबसे करीब रहते हैं, उन्हें गहरा सदमा तो जरूर लगने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि सलमान खान कैटरीना कैफ से शादी करना चाहते थे। हालांकि सलमान कब शादी करेंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन कैटरीना कैफ का ये बयान उन्हें कहीं ना कहीं दंग तो जरूर कर देगा। वेल, हम यही उम्मीद करेंगे कि कैटरीना कैफ अब जल्द से जल्द शादी कर ले और अपने फैंस को जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे दे। खबरों से रूबरू करवाया, उनके बयान से रूबरू करवाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त था जब वो शादी करना चाहती थी। वेल, कैटरीना कैफ के इस बयान से ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज भी कैटरीना कैफ शादी करना चाहती हैं और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब कैटरीना कैफ शादी करेंगी तो वो खुशकिस्मत लड़का कौन होगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दे दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसी ही कुछ और बॉलीवुड से जुड़ी मजेदार, चटपटी, हॉट, स्पाइसी खबरों के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड की और भी बॉलीवुड से जुड़ी मजेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।